नमस्कार दोस्तों दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल लर्न इजी पर। तो देखिए, मैंने अपने पिछली वीडियो में बात कर रखी थी क्लास नाइन्थ के नंबर सिस्टम के बारे में, संख्या पद्धति के बारे में। तो अब अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि भाज्य संख्याएँ क्या होंगी, अभाज्य संख्याएँ क्या होंगी, परिमेय संख्या क्या होगी, अपरिमेय संख्या क्या होगी, और जो दशमलव है उसकी दो चीज़ें बताई थी मैंने, आसान दशमलव और शान दशमलव के बारे में बातें करते हैं। तो देखिए, अभाज्य संख्या क्या होती है, पहले इसको समझ लीजिए आप। अभाज्य संख्या जिसको आप बोलते हो प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो क्या हो, खुद से डिवाइड हो और केवल यूनिटी से, एक से, इट सेल्फ एंड यूनिटी, यूनिटी यानी मतलब वन से। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं जो स्वयं से और एक से विभाजित होती हैं। अब एक चीज़ और समझ लीजिएगा आप, ये यूनिटी वन, आपसे अगर पूछा जाए कि वन प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो आप इसको हमेशा याद रखिए, वन ना ही तो प्राइम नंबर में आएगा ना ही वन कंपोजिट नंबर में आएगा। वन केवल आपका क्या बोला जाता है, यूनिटी बोली जाती है, ठीक है। इसके बाद आपका वन के बाद जो नंबर आते हैं टू थ्री, ये सब चीज़ें आपका, अब जैसे इसमें पूछा जाएगा आपका कि टू क्या है, तो टू सबसे छोटा प्राइम नंबर है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, दो है, ठीक है। फिर इसमें बात की जाती है कि सम अभाज्य संख्या कौन सी होगी और विषम अभाज्य संख्या कौन सी होगी। तो देखिए, सम अभाज्य संख्या और विषम अभाज्य संख्या, इसको भी समझ लीजिए। पहले आप समझ लीजिए कि सम संख्याएं क्या होंगी और विषम संख्याएं क्या होंगी। सम संख्या जिसको आप बोलते हो इंग्लिश में इवन नंबर, इवन नंबर। विषम संख्या जिसको आप बोलते हो ऑड नंबर, ऑड नंबर। तो सम संख्याएं क्या होंगी, सम संख्याएं वे संख्या होंगी जो क्या हो, दो से पूरी तरह विभाजित हो जाए, और विषम संख्याएं क्या होंगी, जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं। इस तरीके से कह सकते हो, जो टू एन रूल को फॉलो कर ले वो सम संख्या हो जाएगी, और जो टू एन प्लस वन रूल को फॉलो करे वो विषम संख्याएं हो जाएंगी। अब देखिए बात करते हैं, तो देखेंगे आप जब कॉम्पिटेटिव लेवल पे आते हैं तो आपसे छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाती है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि वन क्या है, वन प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है कि भाज्य संख्या है, तो वन ना ही अभाज्य संख्या है ना ही भाज्य संख्या है, वन क्या है, केवल यूनिटी होगी, आप उसको कहेंगे यूनिटी। अब बात करते हैं कि सम अभाज्य संख्या क्या होगी और विषम अभाज्य संख्या क्या होगी, तो उसको आप हमेशा याद रखिएगा। सब पूछा जाता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या दो होती है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या दो है और सबसे छोटी, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या तीन, इसको आप हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि अभाज्य संख्या क्या है, सम संख्या और विषम संख्या भी समझ गए होंगे, और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। अब आइए आगे बात करते हैं भाज्य संख्याएं क्या होंगी। भाज्य संख्या जिसको आप बोलते हो इंग्लिश में कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या जिसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। तो भाज्य संख्याएं किसे कहेंगी, भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होंगी जो क्या हो, एक से भी विभाजित हो, खुद से भी विभाजित हो, इट सेल्फ खुद से भी विभाजित हो, और इसके बाद इसका कोई एक और विभाजित करने वाली संख्या हो, या ऐसे कह सकते हो जिसके कम से कम तीन फैक्टर, कम से कम तीन फैक्टर, एक वो खुद हो
और तीसरा कोई और फैक्टर जिसके कम से कम तीन फैक्टर हो। जैसे आप लिख सकते हो, जैसे हमने बोल दिया 20 को ले लीजिए आप, 20 लिख दिया तो ये 2 से भी डिवाइड, आप इसको लिख सकते हो 4 × 5, और 4 को लिख सकते हो 2 × 5। तो अब इसके कितने फैक्टर हो गए? तीन फैक्टर हो, एक 2 हो गया, एक 5 हो गया, और एक क्या हो जाएगा 1। तो 20 क्या है? आपका कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है। अब देखिए, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, तो अब ये समझ लीजिएगा, ये बोला जाता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। 20 का जो फैक्टर करके आपने इस तरीके से लिख दिया, ये बोला जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो कभी कभी कॉम्पिटेटिव लेवल में चीज़ें पूछ ली जाती हैं, कोई नंबर लिख के दे दिया जाएगा, बोला जाएगा उसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखिए आप। तो आप इस तरीके से उसके फैक्टर को तोड़ेंगे, फैक्टर को तोड़ने के बाद जो फैक्टर जितनी बार होगा उसकी उतनी पावर हो जाएगी। इसको इस रूप में आपने लिख दिया, यही इसका क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलिए डेसिमल की बात करते हैं। डेसिमल दशमलव की, दशमलव जो पिछली क्लास में मैंने आपको ग्राफ में थोड़ा बहुत समझाया था, दशमलव दो प्रकार के होते हैं, शांत दशमलव, अशांत दशमलव। अब जो शांत दशमलव में मैंने आपको बता दिया था, शांत या जिसको बोलते हो फाइनाइट या टर्मिनेटिंग, जो समाप्त हो जाए, जैसे वैल्यू पिछली वीडियो में मैंने लिख रखी थी 4.25, या आप लिख सकते हो 4.5, 6.25 लिख सकते हो, यानी मतलब जो वैल्यू क्या, और डिवाइड करने पे आपका, जैसे आप ये देखिए 10/4 आपने 4 लिख लिया, इसको डिवाइड कर सकते, ये 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, इसको डिवाइड किया आपने, क्या आ गया 2.5। तो ये वैल्यू यहीं पे क्या हो गई? समाप्त हो गई, आगे नहीं बढ़ रही है। तो इसको आप क्या बोलोगे? शांत दशमलव। अब अशांत दशमलव में देखिए, अशांत दशमलव में दो चीज़ें होती हैं, हम पीछे बताया मैंने आपको, एक आवर्ती होता है, आवर्ती, और दूसरा अनावर्ती, अनावर्ती पीरियोडिक कह सकते हो या रिपीटिंग कह सकते हो, जो वैल्यू रिपीट हो रही है और दूसरी जो वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है। जैसे आप लिख सकते हो 4.66 बार लगा दिया, यानी मतलब ये 6 वैल्यू क्या होती जाएगी? रिपीट होती जाएगी। ठीक है, और दूसरी चीज़ मैंने लिख दी 7.12536792 5, ये वैल्यू क्या होती जा रही है? ये रिपीटिंग वैल्यू नहीं है, ये रिपीटिंग वैल्यू है। अब इसी में देखिए, समझ लीजिएगा, परिमेय संख्या क्या हो जाएंगी और अपरिमेय संख्या क्या हो जाएंगी। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा बता दे रहा हूँ, इसी में परिमेय संख्या है, दशमलव में कौन सी संख्या परिमेय संख्या होगी, अपरिमेय होगी, फिर आगे आपको इसके बता दे रहा हूँ कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो जो शांत दशमलव होता है वो आपका परिमेय संख्या होता है, शांत दशमलव जो होता है वो परिमेय संख्या होता है, रेशनल नंबर होता है, क्योंकि आप इसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो, इसको भी आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो। तो अशांत दशमलव का जो आवर्ती दशमलव होगा उसको आप क्या बोल सकते हो? परिमेय संख्या बोल सकते हो, परिमेय संख्या बोल सकते हो, क्योंकि इसको आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो। बट अनावर्ती दशमलव की वैल्यू को क्या कर सकते हो आप? P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते, P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो ये आपका क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, देखिए परिमेय संख्या क्या होता है, इसको बता देना चाहूँगा यहीं पे। आप जिस संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हो और कंडीशन होनी चाहिए Q ≠ 0, वो संख्या क्या बोली जाएंगी? परिमेय संख्या बोली जाएंगी। और जिनको नहीं लिख सकते हो आप P/Q के फॉर्म में, वो क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। तो छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाती हैं कि शांत दशमलव क्या होता है, परिमेय संख्या होता है या नहीं होता है? तो आप बोलोगे शांत दशमलव क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। अब अशांत दशमलव में जैसे आपको बता दिया अनावर्ती, अशांत दशमलव आएगा तो उस केस में आप क्या बोलोगे? अनावर्ती अशांत दशमलव। इसमें वैल्यू और भी आती हैं, √2 आता है, √3 आता है, पाई आता है। कोई आपसे पूछ दे कि पाई क्या होता है, पाई रेशनल होता है कि इरेशनल होता है? पाई
परिमेय संख्या होती है कि अपरिमेय संख्या होती है, तो आप तुरंत बोलोगे पाई अपरिमेय संख्या होती है। अगर आपसे कोई ये बोल दे सर आप पाई की वैल्यू क्या लिखते हो, 22/7 लिखते हो, तो 22/7 क्या है, ये तो रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, तो आप बोलोगे पाई की ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, पाई की ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, इसलिए क्या होगा ये परिमेय संख्या, पाई परिमेय संख्या नहीं होगी। पाई की बहुत सी वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, तो ये एक मानक रखा गया है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू रखी जाती है पाई की, इसलिए 22/7 क्या होता है, अब परिमेय संख्या होती है, ठीक है। पाई को आप हमेशा कहोगे ई पढ़ोगे एक्सपोनेंट, आगे जाओगे आप एक्सपोनेंशियल सीरीजेज जो मिलती हैं वो भी क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। तो समझ गए होंगे परिमेय संख्या क्या होगा और अपरिमेय संख्या क्या होंगी, और ये भी चीज़ें समझ गए होंगे कि परिमेय कौन सी दशमलव में जो संख्याएं लिखी गई हैं वो परिमेय संख्या होंगी, कौन सी अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। और रियल नंबर पीछे पड़ चुके हैं, रियल नंबर में मैंने आपको बताया पूर्णांक क्या होते हैं, तो पूर्णांक सभी पूर्णांक जो होते हैं वो क्या होते हैं, परिमेय संख्याएं होते हैं, इसको आप हमेशा याद रखिएगा। जितने भी पूर्णांक लिख लिया आपने, जितने भी पूर्णांक लिख लिया आपने 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3 से इनफाइनाइट तक जितने भी पूर्णांक लिख लिए, क्योंकि आप इसको पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 3/1 लिख सकते हो आप, इसको 3/1 लिख सकते हो, सॉरी ये माइनस वैल्यू होगी, इसको -3/1 लिख सकते हो, इसको 3/1 लिख सकते हैं, यानी मतलब पी बाई क्यू के फॉर्म में इसको डिनोट कर सकते हैं। तो ये सभी क्या होंगे, परिमेय संख्याएं होंगी, परिमेय संख्याएं होंगी। तो आप समझ गए होंगे दशमलव के बारे में, दशमलव में कौन कौन सी चीज़ें हैं, परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, ठीक है। अब आगे बात करेंगे कि सहभाज्य संख्या क्या है। देखिए सहभाज्य संख्या क्या होती है, जिसको आप को प्राइम बोलते हो, अभाज्य संख्या, जिसको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। तो एकदम बेसिक सी चीज़ समझिए, क्या बोला है, को प्राइम नंबर। आप इसमें ये आपने ना कहिएगा कि जो प्राइम नंबर होंगे वही को प्राइम होंगे, ऐसा कुछ नहीं है, जो प्राइम नंबर होंगे वही को प्राइम नंबर नहीं होंगे। आप इसको ऐसे समझिए, कोई भी दो नंबर हो जिसका एच सी एफ, जिसको आप बोलते हो हिंदी में मस क्या हो, एक हो, किन्हीं दो संख्याओं का जिनका मस क्या हो, एक हो, उन्हें आप क्या बोलोगे, को प्राइम नंबर बोलोगे। जैसे आप लिख सकते हो दो कंजिक्यूटिव नंबर, दो क्रमागत संख्याएं हमेशा क्या होती हैं, को प्राइम होती है। कोई भी ले लीजिए आप 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, तो ये हमेशा क्या होंगे, आपकी को प्राइम होंगी, क्योंकि इनका मसा जो आएगा हमेशा क्या होगा, एक आएगा, वो क्या होंगी, सहभाज्य संख्याएं होंगी, जितनी भी क्रमागत संख्याएं होंगी। इसको आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ दे को प्राइम नंबर बताइए तो एकदम मत सोचिए, सहभाज्य संख्या बताइए, बस कोई भी दो नंबर आगे पीछे लगे हुए बता दीजिए, 9, 10 बता दीजिए आप, ठीक है, वो क्या होंगी, सहभाज्य संख्याएं होंगी। तो सहभाज्य संख्याएं क्लियर, तो देखिए चीज़ें आप समझ गए होंगे जो जो मैंने आपको बताई कि सहभाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है। तो अब इसको ऐसा नहीं कि दो ही नंबर लीजिए आप, कोई तीन नंबर भी ले सकते हो जो सहभाज्य संख्याएं दिखा सकती हैं, बस अत्य कंडीशन क्या हो, उनका मसा हमेशा क्या होना चाहिए, एक के बराबर होना चाहिए। आप तीन नंबर लीजिए, चार नंबर लीजिए, ठीक है, दो नंबर लीजिए, तो आसानी से आपको जो बतानी है आप बता सकते हो कौन सी संख्याएं सहभाज्य होंगी और नहीं होंगी। अब देखिए अब बात करते हैं कोई दो किन्हीं दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या कैसे आप निकाल सकते हो। अब हम बात करते हैं किन्हीं दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या आप कैसे निकाल सकते हो। जैसे कोई दो संख्याएं हो गई, कोई दो धनात्मक पूर्णांक हो गए ए और बी, इनके बीच कोई एक परिमेय संख्या आप लिखिए, इनके बीच कोई एक परिमेय संख्या लिखिए, के बीच परिमेय संख्या, के बीच परिमेय संख्या, आप इसको लिख सकते हो ए के प्लस बी अपान के प्लस 1। जैसे पहली लिखनी है तो यहाँ पे 1 लिख लिया, जहाँ पे के
जहाँ पर जहाँ के बराबर 1, 2, 3 डॉट डॉट, जहाँ पे के क्या होगा आपका कोई धनात्मक पूर्णांक होगा। जैसे आप कर सकते हो, हमने ले लिया 3/4 और 2/ चलो बड़ी होनी चाहिए 7/3 ले लिया, 3/4 और 7/3 ले लिया, इनके बीच कोई दो परिमेय संख्या लिखी है तो आप तुरंत अप्लाई कीजिए इस रूल को। इसके बीच परिमेय संख्या क्या होंगी, के बीच परिमेय संख्या, के बीच परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, आप इसको अप्लाई कर दीजिए, ये लिख लीजिए 3/4 इंटू 1+7/3 बाई 1+1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ से 3/4 3/4 + 7/3/2 दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, ये दोनों का एलसीएम जो आएगा लसा जो आएगा 12 आ जाएगा। अब यहाँ से इसका गुणा करते हैं 9 आ जाएगा, यहाँ से इसका गुणा करते हैं 28 और ये बाई 2 है। अब इस 2 का इसमें क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ से जोड़ सकते हो, ये कितना आ जाएगा 37/24। तो एक परिमेय संख्या आ गई, और भी परिमेय संख्या इसी तरीके से निकाल सकते हो, दो निकाल लें तो यहाँ 2 लिख लोगे आप। अब चाहे एक चीज़ और समझिए, अब देखिए पहली परिमेय संख्या हो गई, अब बस आप ऐसे भी अप्लाई कर सकते हो सीधा a+b/2 परिमेय संख्या निकलती जाएंगी। अब देखिए ये a हो गया और ये b हो गया, a को b के साथ ऐड किया और क्या कर दिया 2 से डिवाइड कर दिया, दूसरी परिमेय संख्या निकल गई। अब देखिए ये a हो गया ये b हो गया, ये वैल्यू जो आई आपकी बीच वाली परिमेय संख्या, ये a हो गई और ये b हो गई, फिर इन दोनों को ऐड करके आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, तीसरी परिमेय संख्या निकल गई। अब फिर जो परिमेय संख्या आ रही है उसमें एक को a मानिए आप, दूसरे को b मानिए, फिर दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, इसी तरीके से आपकी क्या हो जाएंगी परिमेय संख्याएँ निकलती चली जाएंगी। तो ये सब आपके कॉम्पिटेटिव लेवल में पूछे जाते हैं कि किन्हीं दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकाल दीजिए, या जैसे पीछे बताया कि सबसे छोटी सअभाज्य सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, एक क्या होता है, एक अभाज्य संख्या होती है कि भाज्य संख्या होती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैं आशा करता हूँ मैंने जो जो चीज़ें आपको बताई वो समझ में आ गई होंगी। तो वीडियो को कम से कम एक बार दो बार आप देखेंगे तो चीज़ें आपको क्या होती जाएंगी, याद होती जाएंगी, ठीक है। बाकी चीज़ें जो आपको न समझ में आ रही हों वो हमारे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है, धन्यवाद।